दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बेस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही ऐसी अच्छी वैकेंसी के बारे में। एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक आप रहिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रेलवे की तरफ से निकाला जाता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। और मैंने अपने लाइफ में जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, पहली बार इस नोटिफिकेशन को मैं देख रहा हूँ। तो एक अच्छा मौका है ये। इससे पहले मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन का कभी एग्ज़ाम दिया नहीं है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग रेलवे जोन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये नोटिफिकेशन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का नोटिफिकेशन है। कुल मिला के आप यहाँ अगर एग्ज़ाम निकालते हैं तो रेलवे के ही एम्प्लॉय कहलाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा, लुधियाना, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अलग अलग जगह पे है यहाँ पे। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे अगर हम कुछ बात करें इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में, तो इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ जो पोस्ट निकला हुआ है, तीन पोस्ट निकला हुआ है। पहला जो पोस्ट है जूनियर मैनेजर का, दूसरा पोस्ट है एग्जीक्यूटिव का, और तीसरा पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव का। इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ बात करें तो 24/4/2021, 23/5/2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लास्ट डेट है। और जून में इसका एग्ज़ाम होगा, तो ध्यान दीजिएगा, आज से अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जूनियर मैनेजर के बारे में, तो 50,000 से लेके 1,60,000 आपको मिलेगा। और बहुत ही अच्छा पोस्ट है यहाँ पर जूनियर मैनेजर के लिए। यहाँ प्रोफेशनल डिग्री आपको चाहिए सिविल में। पहला जो पोस्ट है जूनियर मैनेजर सिविल में, तो आपको सिविल में बीटेक होना चाहिए, विथ एग्रीगेट 60% है। और नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं कि अनरिजर्व का 14 है और ईडब्ल्यूएस का 3 है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल कैंडिडेट के लिए, कि जनरल कैंडिडेट कौन कौन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें कि अगर आपने MBA किया हुआ है, तो आप ये जूनियर मैनेजर ऑपरेशन बी एंड डी को अप्लाई कर सकते हैं जूनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए। तो जूनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए ऑपरेशन बी एंड डी में 34 पोस्ट है और EWS का 7 पोस्ट है। तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। MBA होना चाहिए, PGDBA होना चाहिए, ठीक है, पोस्ट को देख लीजिएगा आप। अगर हम बात करें और भी कुछ अलग, जहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन आपको चाहिए होगा, तो वहाँ भी पोस्ट निकला हुआ है, देखते हैं आगे जाके। तो यहाँ जाते हैं नीचे, सेल्स टेलीकम्युनिकेशन में डिप्लोमा चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखिएगा नंबर 4 में, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है ऑपरेशन बी एंड डी में, ग्रेजुएशन चाहिए 60%, नंबर ऑफ पोस्ट 96 है और EWS का 23 पोस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, बाकी नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव में, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी सेम पोस्ट है ऑपरेशन बी एंड डी जूनियर एग्जीक्यूटिव, 225 पोस्ट, 90 पोस्ट यहाँ पे अनरिजर्व है और 23 पोस्ट यहाँ पे EWS है। और यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और बाकी भी क्वालिफिकेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, बट अगर आपने ITI नहीं किया है तो आप ग्रेजुएट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट वाले दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बी एंड डी और एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बी एंड डी, लगभग दोनों में सेम नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, और एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें, तो जो पहला पोस्ट है जूनियर मैनेजर के लिए, उसमें 18 से 27 एज लिमिट होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो जैसे 3 साल 5 साल 10 साल दिया जाता है रिलैक्सेशन, वैसे ही दिया जाएगा यहाँ भी। और यहाँ पे आगे अगर हम बात करें कुछ और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में बताया गया, जो कि आप लोगों को पता होगा EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप उस कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। तो आगे अगर हम बात करें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर किसी संस्था में आप काम कर रहे हैं, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ऑपरेशन बी और डी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये दो अलग अलग टेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों टेस्ट आपके लिए जाएंगे। तीसरा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब हो सकता है कि PT मेंस, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। आगे देखिएगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये एग्ज़ाम आप लोगों को पता है कि जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो 2 घंटे का एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है ना।
तो 2 घंटे का एग्ज़ाम लिया जाएगा और एक दिन में या तो 2 सेशन होंगे या 3 सेशन होंगे, और ये आपको 2 दिन का सिंगल एग्ज़ाम होगा, एक से ज़्यादा दिन में एग्ज़ाम होंगे और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 120 मिनट का समय दिया जाएगा क्योंकि यहाँ 120 क्वेश्चन भी होंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर जो दिया जाएगा मल्टीपल चॉइस में 120 क्वेश्चन होगा, और सिलेबस दिया हुआ है, बट मैं बता दूँ यहाँ रेलवे का सिलेबस ही अप्लाई होने वाला है। और रिटन टेस्ट में मिनिमम 40% लाना है, इससे आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, मतलब 0.5 है। क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। इंग्लिश वाले को ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ गलती होता है तो इंग्लिश वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड इफ़ रिक्वायर्ड 2 स्टेज, अगर ज़रूरी हुआ तो 2 स्टेज में ये लोग एग्ज़ाम करवा सकते हैं, नहीं हुआ तो एक ही स्टेज पे फाइनल सिलेक्शन ये लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इज अंडर, तो यहाँ देखिएगा क्वालिफाइंग मार्क्स आपका होना चाहिए 42 होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा है 42 मार्क्स है इन इस सेक्शन। देखिएगा क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में लिखा हुआ है, डिटेल ऑफ CBADT, तो ये शायद मैंने बताया था वहाँ पे, अगर ज़रूरत होगा तो इसको लिया जाएगा। द कैंडिडेट नीड टू स्कीम मिनिमम T-स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन इच ऑफ द टेस्ट है टू क्वालिटी, और ऑल दी कैंडिडेट है, मतलब 42 नंबर आपको चाहिए, 120 का 40% जो भी होगा वो आपको चाहिए होगा। 42 मार्क्स आपसे बोला जा रहा है मिनिमम इच टेस्ट, मतलब हर टेस्ट में आपको 42 नंबर चाहिए होगा, ठीक है ना, ये चीज़ इन्होंने बताया हुआ है। आगे आगे कैंडिडेट 8 टाइम का सिलेक्शन होगा, जितना भी वैकेंसी होगा उसका 8 गुना बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा मेन्स एग्जाम के लिए, अगर ज़रूरत हुआ तो, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, अगर ज़रूरत हुआ तो। कैंडिडेट विल क्वालिफाई इन इस टेस्ट पोस्ट ऑफ दी ऑपरेशन BND एग्जीक्यूटिव, द क्वेश्चन पेपर आंसर इंग्लिश एंड हिंदी, नो नेगेटिव मार्किंग इन CBAT, मतलब यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर मेंस के लिए आप जाते हैं तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग फेस नहीं करना है, किसके लिए, ऑपरेशन एंड BD के लिए, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें, दी फाइनल मेरिट लिस्ट विल ड्रॉन ओनली फ्रॉम अमंगस्ट दी कैंडिडेट क्वालिफाई इन CBA विद 70% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड CBT एंड 30%, दोनों स्टेज इंपॉर्टेंट है, मतलब पहला स्टेज भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्टेज भी इंपॉर्टेंट है, तो ये मान के चलिए कि 2 स्टेज में एग्जाम होगा, पहला स्टेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 30% ही मार्क्स उसका वेटेज लिया जाएगा, दूसरे स्टेज का 70% मार्क्स का वेटेज बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइको का अगर लेना होगा एग्ज़ाम तो लिया जाएगा, ठीक है, ये भी आपको बताया गया है। और उसके बारे में कुछ बताया गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसे होगा, उसके बाद अगर हम देखें कुछ और भी यहाँ पे, मेडिकल टेस्ट एग्ज़ाम सिटी के बारे में बताया जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा पटना में होगा, अहमदाबाद, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची में भी दिया हुआ है, रायपुर, पुणे, और ये अलग अलग जगह पे होगा, ये देख लीजिएगा आपका सेंटर यहाँ पे बिलोंग करता है कि नहीं। और द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पर्टिकुलर पोस्ट लेस देन द एग्जामिनेशन सच पोस्ट मे बी कंडक्टेड इन दिल्ली, मतलब मान लीजिए रांची से मैंने फॉर्म फिल किया और वहाँ बहुत कम कैंडिडेट हो जाते हैं तो मेरा एग्ज़ाम शिफ्ट होकर दिल्ली चला जाएगा, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, मतलब इसका संचालन दिल्ली से किया जा रहा है, तो अच्छा वैकेंसी है। अप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं कि जूनियर मैनेजर के लिए 1000, एग्जीक्यूटिव के लिए 900, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 यहाँ अप्लीकेशन फ़ी है, और प्लस में GST भी लगेगा, मतलब ये हो सकता है कि या तो इतना ही अप्लीकेशन फ़ी हो या इससे ज़्यादा भी हो, जब अप्लाई करूँगा मैं तो आपको मैं बता दूँगा, ठीक है ना, अभी मुझे पता नहीं है, पर ये मान के चलिए कि 700, 900, 1000 रुपया लगेगा आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए, और कुछ यहाँ नहीं है, डॉक्यूमेंट कुछ भी अपलोड नहीं करना है, जहाँ तक मुझे पता है डॉक्यूमेंट कुछ भी अपलोड नहीं करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे, और कुछ यहाँ में मुझे इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है वो बताया गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए, उसके बाद कॉल लेटर आपको भेजा जाएगा, कुछ आपको लेके नहीं जाना है, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया हुआ है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं तो सिलेबस यहाँ सेम होगा, रेलवे का जो सिलेबस होता है, रेलवे की जो तैयारी करते हैं वही तैयारी आपको यहाँ भी करनी है, और बहुत कुछ आपको अलग देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एक अच्छा मौका है आपको यहाँ पे,
अगर आपको जल्दी से जॉब चाहिए, रेलवे से तो बेहतर एग्ज़ाम है और रेलवे से अच्छा पोस्ट भी है यहाँ पे। तो अगर आपको जल्दी से जॉब चाहिए तो यहाँ मेहनत कीजिए, चांसेस है आपके पास है निकालने का। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि रेलवे की भी तैयारी होगी और साथ में इस एग्ज़ाम की भी तैयारी होगी। अगर हम बात करें यहाँ सिलेबस के बारे में, तो यहाँ देखिएगा सिलेबस से जो है ना, जूनियर मैनेजर ऑपरेशन B&D, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इंग्लिश नहीं है, ठीक है। पहला चीज़ ये हो गया। 24 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे 3 पार्ट में, मतलब 8-8 क्वेश्चन के हिसाब से मान सकते हैं। दूसरे पार्ट में जो आपने MBA में किया है वो प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा, 96 क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, और यहाँ पे तो और कुछ दिया नहीं है, 120 क्वेश्चन का यहाँ सेट दिया हुआ है केवल, पीटी मेंस ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, पीटी मेंस मुझे लगता है कि दोनों का एक ही होगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव हो गया, जूनियर एग्जीक्यूटिव है। मुझे देखना था B और D, जूनियर एग्जीक्यूटिव है। पहले तो एग्जीक्यूटिव का देखना था, तो पहले हम एग्जीक्यूटिव का B&D देख लेते हैं। तो जनरल नॉलेज है, लॉजिकल रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे है, DFCCIL, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन। तो यहाँ से मार्केटिंग भी आपको पढ़ के जाना है, और 24 से 120 क्वेश्चन इन सब से होगा, ठीक है। इसमें कुछ है, पार्ट वाइज डिवाइड इन्होंने नहीं किया हुआ है, 120 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। मतलब जो ETC लिखा है ना, ETC का मतलब यही है, पूरा ETC का मतलब यही होगा, ठीक है। तो मार्केटिंग, GK और जनरल साइंस सब कुछ आपको कवर करके जाना है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आपका कवर होना चाहिए इसके लिए। आगे अगर हम बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव SND के लिए ना, तो SND का हम देख लेते हैं, सेम सिलेबस मुझे लगता है कि यही होगा, यही सिलेबस है। जूनियर एग्जीक्यूटिव यहाँ लिखा हुआ है केवल, जूनियर एग्जीक्यूटिव नीचे है, यहाँ पे है जूनियर एग्जीक्यूटिव, हाँ यहाँ पे दिया है दोस्तों। जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल साइंस, ये पूछा गया है। इसमें फाइनेंशियल शायद नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा एग्ज़ाम है, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, मुझे लगता है कि अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको अप्लाई करने का मन होगा तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आशा करता हूँ कि आज के दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।